8 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए भाइयों को जिंदा जलाया दादी और मौसा, बोले चचेरे भाइयों ने की हत्या, 1 महीने बाद होनी थी युवक की शादी। चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की बच्ची से गैंगरेप, बिलासपुर में 2 नाबालिग लड़कों ने की वारदात, 2 दिन तक सदमे में रही मासूम। मॉल की 3री मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत, रायपुर में पिता की गोद से फिसला मासूम, एस्केलेटर में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। पंजाब में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, मार्बल कारीगर थे मृतक, होशियारपुर फगवाड़ा हाईवे पर जेसीबी से टकराई बाइक, चालक फरार। सोना पहली बार 66,000 के करीब, इस साल 70,000 तक जा सकता है, चांदी 73,850 रुपए किलो हुई। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, सीएम ने समन को चुनौती दी थी, कोर्ट ने पूछा आप पेश क्यों नहीं होते। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी संभावना, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के करीबी पंकज नाथ पहुंचे ईडी कार्यालय। जमशेदपुर में बिजली दर बढ़ाने के लिए आयोग ने शुरू की कार्रवाई, लोगों को लगेगा झटका। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जेबी प्रकाश पटेल, कहा मैं बीजेपी के विचारों से संतुष्ट नहीं, हजारीबाग से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। जयपुर में दिखी कोटा से किडनैप हुई छात्रा, रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों के साथ जाते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रास्ते के विवाद में आरएसएस के माता पिता की हत्या, 2 भाइयों ने चाकू से गोदा, 1 आरोपी बोला नहीं माने तो अधिकारी को भी मारेंगे। यूपी के बदायूं बच्चों की हत्या, आरोपी का एनकाउंटर, माँ बोली आरोपी ने 5,000 रुपए उधार लिए फिर छत पर बेटों का गला रेत दिया। हिसार में एक्सीडेंट में 2 छात्रों की मौत, 1 HAU दूसरा LP यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ट्रांसफार्मर से टकराई बुलेट, इकलौता बेटा था। करनाल में गौरक्षकों ने पकड़ी मांस से भरी पिकअप, जमकर हंगामा, गाड़ी की निकाली की तोड़फोड़, दिल्ली से आ रहा था वाहन। लुधियाना में पश्चिम बंगाल पुलिस का छापा, बैंकों ने फ्रॉड करने वाला गिरफ्तार, ATM से छेड़छाड़ कर निकालता था पैसे। शंभू बॉर्डर पर मोर्चा संभालेगी महिलाएं, खेतों में कटाई करेंगे किसान, अमृतसर से हुई रवाना, 22 मार्च को सिरसा में महापंचायत। लुधियाना में 2 पक्षों में गैंगवार, खूनी झड़प से इलाका वासी भयभीत, सप्ताह में 3री वारदात, CCTV कैमरे में कैद हमलावर। शिमला में HRTC ड्राइवर और सवारियों के साथ मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने नहीं की FIR, समझौता कराया, लोगों ने जताया रोष। भाजपा शिया गठबंधन पर इसी हफ्ते फैसला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए संकेत, कृषि कानूनों के चलते हुए थे अलग। 13 साल के हार्दिक ने लिया संन्यास, बोला संयम में सुख, 20 साल पहले माँ नहीं ले पाई थी दीक्षा, पिता पुदुचेरी में हेलमेट के बड़े कारोबार। राजस्थान की 12 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, अब तक 8 सीटों पर आमने सामने कैंडिडेट की तस्वीर साफ, अधिकांश होली के बाद भरेंगे नामांकन। जयपुर में 10 सेकंड में बाइक चोरी, पार्किंग में खड़ी बाइक चुरा ले गए बदमाश, मास्टर चाबी से तोड़ा ताला। छत पर सो रहे थे मजदूर की वज्रपात से मौत, हरियाणा में करता था काम, 3 दिन पहले ही परिवार के साथ आया था गाँव। पेपर लीक में नालंदा के प्रदीप की अहम भूमिका, कॉपी प्रिंट के लिए पटना से अभिषेक को बुलाया, हजारीबाग फेस टाइम ऐप से होती थी बात। हाजीपुर ने रामविलास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचाया, चिराग के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई थी यह सीट, 8 बार यहां से सांसद रहे थे उनके पिता। सीतामढ़ी बगहा में झमाझम बारिश, पटना समेत 7 जिलों में हल्की बूंदाबांदी, कई जिलों में सुबह से छाए बादल। लालू के करीबी विधायक के घर ईडी की रेड, बक्सर रेहता में शंभू, जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 24 साल में 22 से जुड़ा मामला। दरोगा की पत्नी से गैंगरेप, बदला लेने वाले आईपीएस विक्रम सिंह, डाकुओं ने 11 पुलिस वालों, दरोगा की थाने में की हत्या, हत्यारों को चुन चुन कर ढेर किया। मऊ में मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी आज, शस्त्र लाइसेंस समेत गैंगस्टर का केस, 3 मामलों में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई की सुनवाई। सरकारी स्कूल के खिड़की दरवाजे उखाड़ ले गया सरपंच पति, बिलासपुर में प्रिंसिपल की शह पर हुई मनमानी, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश।